नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी प्रीलिम्स का 4 अक्टूबर वाला पेपर आपको दे दिया गया है टेलीग्राम में। इनिशियल एनालिसिस यही कहती है कि पेपर जो है काफी ज्यादा ट्रिकी था और पूरा का पूरा समझ बेस्ड था। अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी कोचिंग नहीं क्लेम कर सकता है कि एग्जैक्टली उससे क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्लस उसकी समझ पे, ये वाली बात अभी हम थोड़ी देर में एनालिसिस देंगे आपको आंसर की, जब देंगे पूरी। ठीक है, आप लोग प्लीज अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए जिन लोगों ने भी पेपर दिया हो। इसका कट ऑफ कितना जा सकता है ये भी अभी तक नहीं कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। कई सारे लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। यूपीएससी का पेपर हर बार ऐसा ही आता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग भी हैं। कोरोना से भले ही डायरेक्टली क्वेश्चन ना आया हो लेकिन उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनसे एप्लीकेशन बेस्ड पेपर जो है उसमें क्वेश्चन जरूर आए थे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अभी पूरी आपको एनालिसिस मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन पेपर दिया है, आंसर की और प्लस कट ऑफ की एनालिसिस आपको मिलेगी। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए ताकि जो लोग आने वाले एग्जाम देंगे 2021-22 में वो लोग थोड़ा यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग ले सकें किस हिसाब से पेपर पूछता है। एक चीज और है, यूपीएससी ने पूरा का पूरा टारगेट किया है सारे जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं सबको। ठीक है, और प्लस एक चीज है ये कि भैया यूपीएससी ने एक चीज दिखा दी कि भैया बाप बापी होता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।